नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ईशानी डिजिटल में। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करें और कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करें, उसी प्रकार से आज भी मैं आप लोग के लिए एक कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर होता है और किस चीज़ के लिए होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और हर बात को अच्छे से सीख सकें कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है। तो बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी बजा दें और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, कंप्यूटर के यूजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं वो होता है शॉप। शॉप करने का मतलब दुकान। दुकान में हम कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं वो बिल देने के लिए। बिल जो हम जो हमारे पास कस्टमर आते हैं, सामान लेते हैं, वो हम उनको क्या करते हैं, कंप्यूटर का बिल निकाल कर देते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि मैंने कितने रुपए का सामान लिया है। और इसके बाद फिर कंप्यूटर का यूज हम शॉप में इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो भी सामान हो उसमें कितने हमारे पास बचा हुआ है और कितने शॉप से बाहर हो चुका है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊँ कंप्यूटर का यूज़, तो वो होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पर कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल में टोटल कितने एम्प्लॉई काम करते हैं उसका डिटेल मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और जो अगर मेडिकल है तो मेडिकल में कितने दवाई हैं, दवाई से रिलेटेड जो भी कस्टमर जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो उनका बिल पेमेंट करना, उसके बाद सारे रिकॉर्ड रखना मेंटेन मेडिसिन का कि कितना मेरे पास है और कितने ख़त्म हो चुके हैं, इस टाइम से हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। थर्ड नंबर पर मैं आऊँ तो बैंक। बैंक में हम कंप्यूटर का यूज इसलिए करते हैं कि हमें बैंक में कितने एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं उनका डिटेल मेंटेन करना, बैंक में खाते से रिलेटेड मेंटेन करना। बैंक में अगर कंप्यूटर का यूज़ बताऊँ तो लेन देन, जैसे कि हम बैंक में कितना पैसा जमा किए हैं, हमारे पास अकाउंट में कितना है, वो सारे डिटेल मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ बैंक में किया जाता है। फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊँ तो रेलवे स्टेशन। दोस्तों रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे कि कंप्यूटर जब भी यूज़ होता है रेलवे स्टेशन पर, तो आप देखेंगे जब भी आप टिकट निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर से ही टिकट निकाल कर देते हैं। रिजर्वेशन करवाने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ होना पड़ता है। हमें इंक्वायरी करने के लिए होता है कि ट्रेन मेरा कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर का यूज़ होता है रेलवे स्टेशन पे। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताऊं तो ऑफिस। ऑफिस करने का मतलब कंपनी। कंपनी में ज़्यादातर कंप्यूटर का यूज़ होता है एम्प्लॉई का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और एम्प्लॉई से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं या कंपनी से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं वो सारे को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। पाँचवें नंबर पर मैं अगर आऊँ तो पाँचवें नंबर पर कंप्यूटर का यूज़ एयरपोर्ट पर भी किया जाता है। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ जो किया जाता है वो फ़्लाइट से रिलेटेड होता है, टिकट चेक करने के लिए कि आपका फ़्लाइट कब आएगी फ़्लाइट कब जाएगी, ये सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। छठे नंबर पे मैं आपको बताऊं तो होम यानी घर। घर पे हम कंप्यूटर का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, तो घर पे कंप्यूटर का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और नेट वगैरह चलाने के लिए, सारे चीज़ के लिए हम कंप्यूटर को घर पे यूज़ करते हैं। और जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में हम कंप्यूटर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि क्रिमिनल का जो भी रिकॉर्ड वो मेंटेन हो सके, FIR जो भी दर्ज हो रहे हैं वो मेरे पास कितना हुए हैं कितने नहीं हुए हैं वो सारे को मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो छोटी छोटी सी थी बातें जो कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं और कौन कौन से जगह पर करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर का यूजेस क्या होता है और कहाँ कहाँ करते हैं।